दोस्तों आज हम बहुत ही रहस्यमय प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन भूल कर भी ये तीन चीजें कभी ना चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागन महिला ना करे, करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथ माता को ये तीन चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों ये व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक कमेंट और लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ जाती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है, खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये तीन चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा, और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है, और चांद निकलने का समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बड़े प्यार से निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती है। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत पर्व माना गया है, इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती है। ये पति पत्नी के जीवन में खुशियाँ लाता है और प्यार को भी दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें पाप ना लगे। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए, और साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं या फिर जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां इस व्रत को रख सकती है। यदि इसके अलावा जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है अर्थात नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकता है। किसी महिला को यदि इसके अलावा मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी ना छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करते चले आ रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि मासिक धर्म को रोकने की मेडिसिन का उपयोग ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोस्तों ये तो भगवान की ही देन है और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्रत रखे बस पूजा का सामान ना छुएं और पूजा किसी और से करवा लें। इसके अलावा गर्भवती महिला भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लेना चाहिए। दोस्तों पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे आप खुद भी खरीद सकते हैं या अपने पति से ले सकते हैं। दूसरी महिलाओं को मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके आप अपने मांग में संपूर्ण सिंदूर भरें। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र गले में हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना गया है।
इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न रहती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या लाल या मेहरून रंग ऐसे कपड़े भी पहन सकते हैं। साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है, आप इसे भी पहन सकते हैं या फिर किसी भी मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या ना चढ़ाएं, आइए जानते हैं। जब आप करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सीखे या तिलिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ औरतें 8 भी इस्तेमाल करती हैं। वहीं जब आप बाजार से खरीद करके करवा लाएंगे तो वो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ करवा या चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो जाता है। ऐसे में व्रत टूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो बिल्कुल नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप चटकी हुई और टूटी हुई चूड़ियां बिल्कुल भी ना पहने। करवा चौथ में छल्ली का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छल्ली टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, आप चाहे तो पुरानी पिछले साल की करवा चौथ की छल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा आप बाजार से नई भी ला सकते हैं। दोस्तों जब करवा चौथ माता के लिए आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए, ये बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, ये शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता के लिए जब आप नारियल अर्पित करें तो वो जटा वाला अर्थात पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता के लिए लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा जहाँ कर रहे हैं उसके आसपास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, उसके आसपास झाड़ू पोछा रखा हुआ नहीं होना चाहिए और वहाँ से जूते चप्पल भी दूर हटा के रखने चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती है जहां झाड़ू पोछा जूते चप्पल अगर सामने पड़े हो तो। दोस्तों करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी को लाल कपड़े से सजाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वो फोटो बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए और तस्वीर पर फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर आपको बैठकर अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा जब आप पढ़ें तो आपकी मुट्ठी में थोड़े से चावल होने चाहिए। दोस्तों कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय करवा मैया की। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।